आज हम बनाएंगे चटपटी लैया, जिसको हम झाल मूड़ी भी बोलते हैं। इसके लिए लिया है हमने लैया को, ये सूखी हुई है और एकदम कुरकुरी है। अगर हमारी लैया कुरकुरी नहीं है तो इसको हम कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये एकदम कुरकुरी हो जाए। इसको बनाने के लिए लिया हमने उबला हुआ आलू, बारीक काट के रख लिया है, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस और आलू भुजिया। आप चाहें तो इसमें कोई सी भी दाल मोठ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आलू की भुजिया को लिया हुआ है डालने के लिए। दाल मोड़ी बनाने के लिए हम अपनी लैया में अब सारी चीजें मिला देंगे। ये उबला हुआ आलू, कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। नींबू का रस, इन सारी चीजों को डालकर अच्छे से हम मिला लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें थोड़ी सी आलू की भुजिया भी डालकर मिला लेंगे। आप अगर चाहें तो टोमेटो सॉस भी इसमें मिला सकते हैं। आलू की भुजिया और थोड़ी ऊपर से डाल देंगे। दाल मूड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे आप इसको बना सकते हैं। ये 5 मिनट में बन जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।